जय श्री कृष्णा दोस्तों, YouTube चैनल सृष्टि ज्ञान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक और जन्म कुंडली का मध्यन करते हैं। ये जो जन्म कुंडली है वो अतुल जी की है। अतुल जी, आपने जो बर्थ डिटेल दी है उसका आप मिलान कीजिए। 19/12/1998, 6:10 AM प्रातःकाल, पुणे बर्थ पैलेस। गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन के लिए पूछा है और कब तक, फाइनेंशियल कंडीशन, मैरिज कब तक होगी, ये आपने पूछा है। मेरा पुलिस में सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो सकता है क्या? तो चलिए शुरुआत करते हैं। दी गई बर्थ डिटेल के अनुसार वृश्चिक लग्न धनु राशि, सूर्य चंद्रमा शुक्र एक साथ द्वितीय भाव में स्थित, अमावस्या योग का निर्माण मैंने वीडियो डाल रखा है, अमावस्या योग का आप देख सकते हैं क्या क्या उसकी हानि होती है। सूर्य चंद्रमा एक साथ द्वितीय भाव में, शुक्र जहां द्वादश मतलब व्ययेश 12वें भाव के स्वामी होकर बैठे हैं धन भाव में, तो धन आएगा, खर्च हो जाएगा, किसी न किसी कार्य में खर्च हो जाएगा, रुकेगा नहीं। और आपके प्राक्रमेश चतुर्थेश सुखेश जो है वो नीच के होकर बैठे, शनि 6वें भाव में मेष राशि में नीच के होकर बैठे हैं, तो थोड़ा अपने कर्मों पर, राहु क्योंकि 10वें भाव में सिंह राशि में विराजमान है, तो अपने कर्मों पर अवश्य ध्यान दीजिएगा, सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। माता पिता से कोई बहस मत करिएगा, उनकी सेवा करनी है, उनसे बहस नहीं करनी। कभी कभी चोरी आदि की मन में आ सकती है, वाणी थोड़ी कटु हो सकती है माता पिता के अपेक्ष में बात कर रहा हूं मैं, तो वहां थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये आपकी बदनामी भी करवा सकता है शनि नीच का होकर, तो अपने कर्मों पर अवश्य ध्यान दीजिए, सोच समझ कर फैसला लीजिए, दोस्तों के साथ कम रहिए। और पाया रजत का है, वर्ण क्षत्रिय है, योनि स्वान की गण राक्षस के हैं, 26 डिग्री का लगन है, तो लगन ठीक ठाक है। चंद्रमा मूल नक्षत्रों में है, सूर्य चंद्रमा दोनों मूल नक्षत्रों में है, और केतु का ये नक्षत्र होता है, केतु गुरु के साथ विराजमान है। शुक्र की दशा चली हुई है 19/11/2023 तक और शुक्र बुध 19/9/2022 तक। शुक्र आपके खर्चेश हैं, द्वादशेश हैं, सप्तमेश हैं और दाम्पत्य सुख के कारक हैं, तो अगर विवाह आदि होता है तो 2023 तक बात बन सकती है, समय चल रहा है, आप शादी के लिए बात कर सकते हैं, किसी अन्य लड़की की भी एंट्री करवा देता है, तो सोच समझकर स्त्रियों का जितना हो सके उतना सम्मान कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, उनको कोई ना कोई, जैसे आपकी बहन है, बुआ है, माँ है, इनको कोई ना कोई आप उपहार दीजिए। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी को आप अगर खीर का भोग लगाएंगे तो लक्ष्मी की आपको प्राप्ति होगी। द्वादशेश की दशा चलने के कारण धन ना के मात्र के बराबर होता है, व्यक्ति घूमता ज्यादा है, टैलेंट होते हुए भी उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाता, पिता को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, ये द्वादशेश की वजह से है जो कि 19/11/2023 को बीत रही है। तो 2023 तक बहुत सावधानी से आपको निकालना है, शादी विवाह के लिए बात कर सकते हैं। पूछी आपने गवर्नमेंट जॉब की, तो 2023 के बाद चांस प्रबल बन रहे हैं, सूर्य की महादशा शुरू होने वाली है और सूर्य आपके नवमांश में उच्च के नजर आ रहे हैं और इधर धन भाव में बैठे हुए विराजमान हैं, तो सरकारी नौकरी तो आपकी लग जाएगी 100% 2023 के बाद, तैयारी कीजिए दबा के। प्रकरमेश नीच का है तो मेहनत करनी होगी आपको, चमड़े आदि का दान कीजिए, नमक आदि का दान कीजिए, काले तिल का दान कीजिए,
शनिदेव की सेवा कीजिए, दशरथ के लिए शनि स्तोत्र का जाप कीजिए, शनिदेव शनिदेव की पत्नी के 12 नाम हैं उनका जाप कीजिए, प्रतिदिन प्रातःकाल उठ के पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए, शनिदेव शुभ फल देंगे। और बात करें आपके फाइनेंशियल कंडीशन, मैंने आपको बता दिया जैसे 2023 पूरा होता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधरना शुरू हो जाएगी। मैरिज का भी मैंने आपको बता दिया, मैरिज का समय चल रहा है, मैरिज की तरफ से कोई चिंता नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये है, तैयारी कीजिए गवर्नमेंट जॉब की, आप जो है कर रहे हैं सूर्योदय से पूर्व उठने की आदत डाल लें, आलस्य ना रखें, पैरों को धोकर रखें, पैर गंदे नहीं होने चाहिए, वस्त्र साफ सुथरे प्रेस कर पहनिए, स्त्री जाति का सम्मान कीजिए, शुक्रवार आदि को कोई मिठाई आदि बांटिए और चींटियों को डालिए, फिर देखिए आप कैसे आपको सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। तो ये चीज़ आप कीजिए तो आपको सब चीज़ का सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। माता पिता की सेवा कीजिए, गायत्री मंत्र आदि का जाप कीजिए, जिससे सूर्य मजबूत होगा, 2024 के बाद आपको फायदा मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब है, तैयारी कीजिए। बस इसी के साथ ही मैं विदा लेता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई कुंडली के साथ। बस लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, श्री